मछली में भी बीमारी आते हैं सर, मांगूर मछली सरकार ने रोक लगा दिया, टेंगरा बोलते देहात में उसको। मछली में भी देखिएगा, जो मछली के एक्सपर्ट होंगे वो ज्यादातर उस मछली को खाते होंगे जिसके बाहर करी की। सर मछली को भी कोई बीमारी उमारी दिया जाता है, उसको भी सुई बीमार के बड़ा कर रहा है क्या? मछली खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यही ना पूछना जा रही हो? मछली खाएगी बबनी? मछली में भी बीमारी आते हैं सब। जो शाकाहारी मछलियां होती हैं उनमें दिक्कत नहीं है, मांसाहारी मछलियां कोनों को पकड़ के खा जाते हैं सब। मांगूर मछली सरकार ने रोक लगा दिया, मांगूर मछली किसी चीज को खा जाते हैं सब, मरा गला सड़ा ओड़ा कुछ चीज खा जाएंगे सब। मांगूर टेंगरा बोलते देहात में उसको, अगवा अगवा उसके कांटा रहता है, सिंगी पता नहीं क्या बोलते हैं मांगूर वगैरह देगा। मछली का एक्सपर्ट कौन है इसमें? हाँ मछली खाते हो लोग उसमें? हाँ ये सोचा बहुत डरावना चीज होता है। अरे हमको मछली से डर लगता है, समुद्री मछली में कांटा वाटा नहीं रहता है उसमें, समझ में आएगा। चिकन की तरह खा जाओ उसको, समुद्री मछली है ना, चिकन की तरह खा जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किसी चीज को खा जाएगा। अब जैसे मेढक है, मेढक टिड्डा, टिड्डा जो होता है ना ग्रास हॉपर, वो मान के चलिए बीमार है, उसको कोई बीमारी है, मेढकवा है उसको खा गया, बीमारी किसमें गया? अब मेढकवा को पकड़ लेगी टेंगर, ये जो सिंगी मछलियां है जिसको बोलते हैं क्या चीज, अरे मांगूर, मांगूर खा गई, वो बीमारी किसमें गया? मांगूर, और मांगूर से ज्यादा बीमारी उसमें चला गया। मछली में भी देखिएगा, जो मछली के एक्सपर्ट होंगे वो ज्यादातर उस मछली को खाते होंगे जिसके बाहर चोइटा लगा रहता है, जिसको ऐसे रगड़ के छोड़ाते हैं लोग वो, हाँ जो भी हो रेहू वगैरह। अब कुछ मछलियां एकदम बाहर से चिकनी होती हैं, बाहर से एकदम क्या होता है चिकना, उसमें काट उसको बस काटिए धुलिए खा जाइए, उसको छील छाल नहीं करना पड़ता, समझा गया कि नहीं गया? तो ज्यादा सही रहते हैं ऐसे जिसको छील छाल करना रहता, समझा गया कि नहीं आ गया? अब अलग अलग मछली खाने वाला, अभी हम बोल देंगे तो फिर वो कहेगा सब कि तब वो खाने में छोड़ देगा सब, इसलिए तुम लोग को खाना है जो खाना खाओ। ये मछली उछली का हमारा ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब खाने पीने वाला है आप, उसको इतना टाइम खाना खाने में इतना टाइम रहता है, हम खाना खाते तो एक अखबार पढ़ के सुनाते रहता है यहाँ पे, तले कोई पूछते रहेगा सर इलाहाबाद में ये क्या करना है वो करना है, खाना खाने के बाद धाए 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 खाओ इसमें, हाँ इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, इसमें वो कर दो, वो कर दो, और मैं मछली खाएगा आदमी अटक ही जाएगा यहाँ पे। एक के बार अटका हुआ टॉन्सिल में, ऊपरा जो टॉन्सिल वाला अटकता है ना वो में जाके फंस गया, डॉक्टर पूछ रहा था कि फंसा है कैसे, हमको जो जानबूझ के खा रहे थे वो में चल गया यहाँ पे। अच्छा जो जितना डर के खाएगा ना उतना भगवान बजा के ओकरा। ऐसा कुछ मछली खाने वाले लोग बोलते हैं हमको, इस पे कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि मछली खाने के हमको उतना शौकीन नहीं, लेकिन जिसके बाहर चोइया रहता है ना, चोइटा जिसको छोड़ाते हैं लोग ना, उसको खाना अलग है, जिसके बाहर वो नहीं रहता है ना उसको खाने पे कहते हैं दहिया दुखाने लगता है, पता नहीं पता नहीं, अब वही लोग बताएगा किसी किसी में होता तुम्हारा कुछ भी खाओ दिमाग नहीं पड़ेगा। क्योंकि दिमाग बढ़ाने के लिए जोरन भर तो दिमाग चाहिए। करिए कि बोला जाता है मछली का दिमाग खाने से दिमाग आता है, दिमाग को चाहिए प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर सोडियम, मछली में ये दोनों होता है, प्रॉपर प्रोटीन होता है, सोडियम होता है, दिक्कत नहीं होता है मछली में, यहां पर हो गया। मछली खाए से दिमाग होता है, सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से,